लाली मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसमें आदमी 10-15 मिनट में ही थक जाता है, पर औरत कहती है कि अभी तो शुरू ही किया है? क्या? अब मुझे क्या पता? क्यों, आप अभी तक कुंवारी हैं क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि इस सवाल का जवाब सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही पता होता है। अच्छा, जैसे कि तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम भी तो कुमारे हो, तुमको कैसे पता? बात तो आपकी ठीक है, पर मैंने अपने मम्मी पापा को कई बार इस पोजीशन में देखा है। क्या? सही कह रहा हूँ मैडम, पापा शुरू होते ही 10-15 मिनट में ही थक जाते हैं, पर मम्मी उनको तो बहुत मजा आता है, वो थकती ही नहीं। अब किसकी बात कर रहे हो? शॉपिंग मैडम, शॉपिंग। मम्मी को शॉपिंग में बहुत मजा आता है, घंटों घंटों शॉपिंग करती है, पर पापा तो 10-15 मिनट में ही थक जाते हैं। ओए बबलू। बोलो तिला। तुम्हारे पास किस कंपनी का मोबाइल है? सैमसंग का है। क्यों? अरे कुछ नहीं, मुझे एक सेकेंड हैंड मोबाइल फोन लेना है, इसीलिए पूछ रही हूँ। ओए राजू। बोलो जाने मन। तुम्हारे पास किस कंपनी का है? मेरा मोटा लोड़ा है। क्या? मेरा मतलब है कि मेरे पास मोटोरोला का फोन है। लेगी? नहीं, रहने दो, मैं नया ही ले लूंगी। अजय सुनती हो, आजकल रोटियां बहुत मोटी बन रही हैं, थोड़ी पतली बना करो यार। चुपचाप खा लिया करो, घर आते ही मर्दों के नखरे शुरू हो जाते हैं। अब इसमें नखरों वाली कौन सी बात है? और नहीं तो क्या, बाहर मुंह फाड़ फाड़ कर गोलगप्पे खा सकते हो, मोटा मोटा बर्गर खा सकते हो, लेकिन घर की रोटी थोड़ी मोटी हो जाए तो इन्हें ठूसा नहीं जाता। ठीक है ठीक है, अब नहीं कहूँगा। लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों ना गुस्सा करूं? दिन भर घर का सारा काम करना पड़ता है, कभी सोचा है कि मदद करने के लिए एक नौकरानी ही ला दे? मम्मी, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ? नौकरानी लाने? नहीं, तुम्हारे लिए बहुरानी लाने। अले भाई लादू, आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। तू फिकर ना कर मेरे प्यारे टकले, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अकल तो है। ठीक है तो चल। अरे अरे क्या हुआ भाई, ठीक तो हो? कुछ नहीं, बस लगता है इसे चक्कर आ रहा है, हम अनाथ है ना, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा तो ये लो खा लो। भैया मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी दे दो। लेकिन तुम तो ठीक हो, भले चंगे लगते हो। अब चक्कर खा कर गिर पड़ूंगा, तभी दोगे क्या? ठीक है ठीक है, ये लो तुम भी खा लो। अबे तुझे भेजा था सब्जी लाने, यहाँ पर क्या कर रहा है? आप कौन है भाई साहब? मैं इसका बाप हूँ। क्या? लेकिन इसने तो कहा कि ये अनाथ है। क्या? अबे नालायक, आइसक्रीम के लिए अपने बाप को ही मार डाला। आप एक नंबर के झूठे, फरेबी और मक्का इंसान हो। हैं? झूठा इंसान? और मैं? लेकिन तू ऐसा क्यों कह रहा है बे? क्योंकि आपने झूठ बोल बोलकर मेरा बचपन छीन लिया। हैं? अबे कौन सा झूठ बोलकर मैंने तेरा बचपन छीन लिया, जरा बता तो। आप कहते थे ना कि किताब के पन्नों के बीच में मोर का पंख रखोगे तो विद्या मिलेगी। हाँ हाँ ऐसा कहा था, लेकिन हुआ क्या? देखो मैंने बचपन से किताब में मोर का पंख रखा हुआ है, लेकिन क्या?
लेकिन बड़ी होते ही विद्या रोहित के साथ चली गई, मुझे तो नहीं मिली। अबे मैं पढ़ाई वाली विद्या की बात कर रहा था। तू नहीं सुधरेगा नालायक।